अगर प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल एक मिरर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा कि प्रियम्बल ए एक्ट एज अ मिरर, और मिरर और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है जो वो इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसने हमेशा बेस कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें प्रियम्बल भी, केशव नंद भारती केस में उसने कहा कि प्रियम्बल भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जो कि उसने डिनाई कर दिया था गोलकनाथ केस में। तो क्या है प्रियम्बल और 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ, 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ, तो चलिए जानते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सॉवरेन सॉवरेन मतलब कि हम किसी के दबाव में नहीं है, वी आर इंडिपेंडेंट टू टेक आर डिसीजन, सोशलिस्ट सोशलिस्ट हैं हम, सेकुलर हैं हम, डेमोक्रेटिक हैं हम और रिपब्लिक हैं, ठीक है ना। तो एंड टू एंश्योर टू इट्स ऑल सिटीजन जस्टिस, हम लोग जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकली लिबर्टी देंगे, थॉट्स में बिलीफ्स में और वर्शिप में हम लोग लिबर्टी देंगे, हम छूट देंगे, ठीक है ना। जो ये वर्ड है लिबरलिज्म, ये आजकल बहुत ज़्यादा लोग इसको गलत ढंग से एक्सप्लॉइट करते हैं। फिर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट एवरीबॉडी, हम लोग सबको साथ लेके चलेंगे, ठीक है ना। एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी क्या मतलब, फ्रेटर्निटी का मतलब ब्रदरहुड, एंड फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन। वी देयरफॉर वी हेयरबाय इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th of November 1949 को वी हेयरबाय अडॉप्ट, इनएक्ट एंड गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट किया 1949 में जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस, फिर 24th को क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था कि कोई रिपब्लिक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो 24th ऑफ जनवरी को फिर हम लोग मिले, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, उसके बाद हम लोग फिर मिले 26 जनवरी को, तो 24th जनवरी को हम लोग फिर 1950 में फिर मिले, एंड देन वी इलेक्टेड आर प्रेजिडेंट। रिपब्लिक का क्या मतलब है कि जो हमारा जो सबसे प्रधान है ही शुड बी इलेक्टेड, दैट मीन्स वी आर रिपब्लिक। तो हमने 24th जनवरी को मीटिंग करी सभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, और देन दे इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द प्रेसिडेंट, और उसके बाद दो दिन बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया। अब बहुत इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं, 1973 में केशवानंद भारती केस आया और 1960 में बेलूबरी केस आया, जिसने इन दोनों केसेस ने डिसाइड किया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी का पार्ट है प्रियम्बल में। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट वॉज डिजाइन बाय बिहार प्योरी राम मनोहर सिन्हा, और ये 1977 में जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था तो एक स्वर्ण सिंह की कमेटी थी, और उन्होंने कहा कि भाई कुछ चीज़ों को हमें जोड़ना चाहिए, सेकुलर वर्ड जुड़ा, सोशलिस्ट वर्ड जुड़ा, सॉवरेनिटी एक जो वर्ड है ये इंक्लूड किया गया, ने सेकुलर तो पहले से ही था, हम लोग पहले से सेकुलर थे, तो सोशलिस्ट और सॉवरेन और आपके डेमोक्रेटिक ये सारी चीज़ें बाद में जुड़ी, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ये भी बाद में जुड़ी हमारी। तो इस तरह से ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रियम्बल, ये खत्म हो गया।